नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं संतोष कुमार पार्थ। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रिशु पटेल, जो कि छात्र जदयू नेता हैं। इनसे जानेंगे कई सवाल। सबसे पहले, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इंटरमीडिएट बोर्ड का परीक्षा 1 फरवरी से शुरू हो रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले मेरा नमस्कार, और सबसे पहले मैं उन सभी हमारे जो छोटे भाई बहन हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, जो इंटरमीडिएट की इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं। सभी परीक्षार्थियों को मैं भविष्य का उज्जवल कामना करता हूं, और अच्छे से एग्ज़ाम दे ताकि आपकी भविष्य में आगे जाकर अच्छा काम करे। और मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि जो परीक्षार्थियों को गाइडलाइन जारी किया गया है सरकार के द्वारा, कि 9:30 जो है उसके पहले परीक्षार्थी अपने जहाँ भी एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पहुँचे, ताकि आपकी कोई एग्ज़ाम देने में सुविधा खड़ ना कर दे कि लेट पहुँचे तो एंट्री ना मिले। इसीलिए हम अपील करना चाहते हैं कि 9:30 से पहले आप कम से कम 8:30 तक में ही अपना जो एग्ज़ाम सेंटर हो वहाँ पहुँच जाएं, ताकि आपको कोई परेशानी ना सामना करना पड़े। और मैं यही समय काफ़ी चहल पहल होगा इस बार इंटरमीडिएट का परीक्षा को लेकर, क्योंकि कई परीक्षा केंद्र बनाया गया है यहाँ का। हाँ, और उन सबसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि कल जो भी परीक्षार्थी हैं, अगर कोई भी रोड पर नज़र आए कि हमें एग्ज़ाम सेंटर जाना है, अगर कोई ऐसा लिफ्ट मांगते हैं, तो हम उन सभी अभिभावकों भाइयों बहनों से अपील करना चाहता हूं, उन्हें एग्ज़ाम सेंटर तक अगर रास्ता में आपसे संभव हो तो उन्हें पहुंचाने का काम करें, ताकि आप एग्ज़ाम आपके ही छोटे भाई बहनों हैं जो दे रहे हैं। ये चीज़ हम ज़रूर अपील करना चाहते हैं कि कहीं भी कोई अगर लिफ्ट देता हो कि हमें एग्ज़ाम देने जाना है, तो आप उसे ज़रूर गाड़ी पर बैठा कर उसे सेंटर पहुँचाने का काम करें, ताकि उसकी भविष्य उज्ज्वल हो। और सबसे पहले बात और ये कहना चाहते हैं कि चाहे कहीं भी कल से जो एग्ज़ाम चालू है उसमें कोई विद्यार्थी को परेशानी ना, और जाम वगैरह ना लगाएं, ताकि कोई परीक्षार्थी का एग्ज़ाम लेट मतलब सेंटर पर ना पहुंचे। 5वीं पास होते भर में लोग बाज़ार से आते जाते हैं, जिसके कारण जाम लगता है। हाँ, तो वो तो है, जाम है, तो आप यहाँ बाईपास भी हो गया, और तो हम उन लोग गाड़ी वाले से भी सब्जी वगैरह बेचते हैं कि कम से कम कल इतना ज़रूर करें कि परीक्षार्थी को कष्ट न कि एग्ज़ाम लगा दें। जिस महाविद्यालय में पठन पाठन किए हैं, कॉलेज प्रतिनिधि रहे हैं, वही परीक्षा केंद्र बनाया गया SAO कॉलेज। हाँ, परीक्षार्थी कैसे और किस दिशा निर्देश से काम करें, और अधिक से अधिक मार्क्स आए, क्या प्रकाश डालें? गाइडलाइंस जारी किया गया है कि वहाँ पर छात्री कदाचार ना करें, ताकि कोई भी कदाचार करते हुए पकड़ा जाएगा तो उन्हें निष्कासित कर दिया जाएगा। ये तो सभी महाविद्यालय में यहाँ तो जानते हैं कि आप लोग PMSC कॉलेज है, उसमें नियमा का अनुसार सदम बहुत नियम टाइट रहती है, और मैं उनसे अपील करना। क्या पुलिस बलों की मौजूदगी रहेगी? हाँ, मौजूद रहेगी। कन्या उत्थान क्या है बिहार सरकार के द्वारा है कि जो 50,000 वाला उन 18, 21 और 19, 22 सेशन वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनको इंटरमीडिएट पास वाले स्नातक पास वाले विद्यार्थी को मतलब जो 31 मार्च तक उनको लास्ट डेट दिया गया है, ठीक ना। और वो सभी छात्राओं बहनों से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द ऑनलाइन करके अपने महाविद्यालय में डॉक्यूमेंट जमा करें।